चलिए अब एनसीईआरटी का एक प्रश्न करें। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी भी कितनी होगी। चलिए अब इसका हल देखते हैं। जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया है, पत्थर ऊपर जाएगा और अधिकतम ऊंचाई तक जाकर वापस धरती की ओर गिर जाएगा। यहाँ पर दो तरह की स्थितियां हैं। पहला, पत्थर का धरती की अधिकतम ऊंचाई तक जाना, दूसरा अधिकतम ऊंचाई से वापस धरती की ओर आना। चलिए मान लेते हैं पत्थर h ऊंचाई तक जाता है। जब पत्थर ऊपर जा रहा होगा तो g का मान ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर g होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पत्थर को प्रारंभिक वेग बराबर 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया है और अधिकतम ऊंचाई पर रुकने के बाद पत्थर वापस नीचे गिर जाएगा। चूंकि पत्थर अधिकतम ऊंचाई पर रुकेगा इसलिए अंतिम वेग होगा 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर त्वरण होगा स्मॉल जी। इस स्थिति में दूरी होगी वह अधिकतम ऊंचाई जहां तक पत्थर जाएगा। हमारे पास u का मान और v का मान और त्वरण तो दिया ही हुआ है। हमें यहाँ ऊंचाई जिसे हमने h माना है निकालना है। यहाँ पर हम गति के तीसरे इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह सारे मान हम इस समीकरण में रखकर h निकाल सकते हैं। चलिए अब हम u, v और g का मान इस समीकरण में डाल देते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें h बराबर 80 मीटर मिल जाएगा। अब हम पत्थर की नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन भी कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वस्तु जहां से मोशन करना शुरू करती है वहीं पर वापस आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। यहां पर हमने देखा कि पत्थर वापस आकर जमीन पर गिर गया, इसलिए इस स्थिति में भी नेट डिस्प्लेसमेंट जिसे हम विस्थापन कहते हैं जीरो होगा। अब हम पत्थर का यहाँ कुल दूरी पता करेंगे। दूरी निकालने के लिए हमें नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने तक का दूरी प्लस करना होगा। यह हम पहले से निकाल चुके हैं जो है 80 मीटर। नीचे से ऊपर जाने पर दूरी होगी 80 मीटर और वही पत्थर नीचे आया है तो उसकी दूरी भी 80 मीटर होगी। तो यहाँ से हम कुल दूरी निकाल सकते हैं। हमने 80 मीटर जमा 80 मीटर किया जिससे हमें 160 मीटर मिल गया।